सिद्धार्थनगर जिले में आज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे जय प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान उनके साथ अभय प्रताप सिंह उनके साथ रहे। नामांकन के बाद जय प्रताप सिंह ने मीडिया से दावा किया कि विधानसभा के सर्वांगीण विकास किया जाएगा। वहीं राजा के महल से 1 किलोमीटर दूर जनिया जीत सड़क न होने के कारण लोगों को वोट बहिष्कार करने का सवाल कहा जा रहा है कि रोड तो कई बार बनते जबकि 9वीं बार आप आए हैं। अब हमारे प्रदेश के मुद्दे या संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसके सहित हमारे विधानसभा के सर्वाधिक और सर्वांगीण विकास करना हर एक क्षेत्र में वो हमेशा प्राथमिकता रहता ही है, ये समय में भी रहेगा। वो क्या अच्छा आपने कौन सा विकास की जनता आपको? अब जितने भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो नीचे तक लागू होना, हर एक परिवार को वो सुविधा देना जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है और उनका जीवन स्तर बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, इन सब चीज़ का साथ साथ में विकास करना, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी आप? अब इस समय तो क्योंकि पर्चा मैंने आज दाखिल किया तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है, सामने कोई आ ही नहीं रहा है, तो कुछ पता तो चले कि कौन आ रहा है। फिलहाल तो हम ही हैं अकेले। सर आप जो है विकास के काफ़ी दावे करते हैं लेकिन आपके महल से 1 किलोमीटर दूरी के एक दूरी पर एक गांव है जनिया जो, तो वहाँ के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो रोड तो कई बार बनता है, कई बार उसका सामान्य मरम्मत में आ भी गया है और वो लगभग 3-4 साल पर पूरा रोड बनता है फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। ऐसे हमारे सभी रोड्स हैं जो बनते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, बनते हैं तो उनका एक मरम्मत का एक समय सीमा होता है, उसी हिसाब से उनका पुनः निर्माण होता है, तो वो समय के साथ बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको मनाएंगे? हाँ हाँ सब मना देंगे, सबको मनाया जाएगा, बिल्कुल मनाया जाएगा, वोट के लिए सबको मनाएंगे।